The maiden trilateral naval exercise involving India, Singapore and Thailand was held at. तो इसका करेक्ट आंसर है पोर्ट ब्लेयर, ए इज द करेक्ट आंसर. द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज एडवोकेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमीशन. तो करेक्ट आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी इज द करेक्ट आंसर. हु फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914. तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, हरिद्यानाथ कुंजरू, ए इज द करेक्ट आंसर. द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द डेक्कन ऑफिशियली एक्विडेड द इंडियन यूनियन इन द ईयर. इसका करेक्ट आंसर है 1948, ए इज द करेक्ट आंसर. द हंटर कमीशन अपॉइंटेड टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, एंड्रोज द डिस्पैच ऑफ 1854 विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन. द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू पंचायत्स लाइज विद. इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, द स्टेट लेजिस्लेचर्स. द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन. इसका करेक्ट आंसर है द स्टेट लेजिस्लेटर एंड द पंचायत, बी इज द करेक्ट आंसर. द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परटेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत डू नॉट अप्लाई टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मेघालय. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इन टू ब्लैक सी. 109 क्वेश्चन नंबर का आंसर है ए ऑप्शन, वोल्गा, ए इज द करेक्ट आंसर. द नेशनल वाटर अकेडमी NWA इज लोकेटेड एट. इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, खड़कवासला. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट. इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इन्वेस्टमेंट कमीशन, बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इन रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ. इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन टू द आयुष ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम. इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यूनानी, ए इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी इन इंडिया फॉर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल अप्रोक्सीमेटली कंसीडर्ड टू बी माइग्रेंट्स इंटरनल नाउ सेटल्ड इन अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीवियस रेजिडेंस. इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 35%. नेक्स्ट है, सपोज एन एग्रीकल्चर लेबर अर्न्स रेट 400 पर डे इन हर विलेज. She gets a job to work as bobby sitter in a nearby town at rate 700 per day. She chose to work as agriculture laborer. Which one of the following is the opportunity cost of the agriculture laborer? So we have to find the opportunity of cost of agriculture laborer. First of all, we know that from the question, हमें दिया हुआ amount of money she could earn in nearby town. नियर बाय टाउन से वो कितनी मनी अर्न कर सकती हैं, 700, यानी कि 700 पर डे. एंड अमाउंट शी वुड गेट एज एन एग्रीकल्चर लेबरर, जब वो एग्रीकल्चर लेबरर बनेगी अपने विलेज में तो
उन्हें मिलेंगे 400 रुपीज़ पर डे वो अर्न करेंगे, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उनकी वो होगी 700 माइनस 400, वो हो जाएगी 300। सो उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी जो एग्रीकल्चर लेबरर में बनने के लिए, एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, वो हो जाएगी 300 रुपये, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट वन में दिया हुआ मार्केट स्ट्रक्चर, लिस्ट टू में दिया गया उनका करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले दिया हुआ है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है मैनी प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। सो ए का मैच हो जाएगा 4 का, ए इज द 4। एंड जो मोनोपोली होता है, मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर होती है, उसमें होता है ओनली वन प्रोड्यूसर सेलिंग वन। और जो मोनोपोली मार्केट होती है, मोनोपोली मार्केट में होता है ओनली वन प्रोड्यूसर सेलिंग वन कमोडिटी, इसलिए इसका हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 4। और जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है, इसमें होता है मैनी प्रोड्यूसर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। और ओलिगोपोली में होता है फ्यू प्रोड्यूसर सेलिंग सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, A4, B1, C3 एंड D2, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इंडिया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिक्स सुमित 2020 विल बी होस्टेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, रशिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया, सी इज द करेक्ट आंसर। 120 क्वेश्चन है हमारा इस एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिविलियन अवार्ड इन द नेम ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द फील्ड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा CDAS 2020 एग्जाम जनरल नॉलेज की जो हमने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। सो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।